दिल में खुशी नहीं है तो फिर क्या ही सेलिब्रेट करें, वाव वाला फील नहीं आ रहा। यहीं पे सोना है और यहीं पे फ्रिज है, यहीं पे शीशा है, सब कुछ यहीं पे है भाई। देख रहे हो कितना स्पेस बचा हुआ है, बस मजबूरी है, रहना पड़ रहा है। ये लगा दिया हमने रंगोली। गाइस सब बारी है हमारा ये फोड़ने की। गाइस देखना बम खरीद लिया और ये नहीं जल रहा इससे, वो देख। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड गाइस आज है दिवाली, तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली आप सभी को। आपको बदला बदला सा कुछ लग रहा होगा, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हमने शिफ्ट कर लिया अपना रूम, मतलब रेंट के घर में आए हैं हम। और क्यों आए हैं हम वहाँ से, क्यों नहीं आए वो बाद में आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग में जब आएगा ना तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ चिंकाराम इधर क्यों आए हैं। और तो और गाइस छोटी सी अपडेट देनी है आपको, क्या है ना हमारा न्यू होम बन रहा है। मैं ऐसे तो बाद में रिवील करने वाला था इस चीज़ को, लेकिन मैंने सोचा चलो यार रिवील कर देते हैं, बाद में दिखा देंगे। हमारा ना नया घर बन रहा है, तो वो बन चुका है लेकिन उधर ना मीटर नहीं लगा, और तो और गृह प्रवेश नहीं हुआ, तभी हम यहाँ से गए नहीं तो फिर वहीं पर बनती हमारी दिवाली। कोशिश था हमारा कि वहाँ पर बनने का लिए दिवाली, लेकिन यहाँ पर ही बन रही है हमारी दिवाली, तो ज़्यादा हैप्पीनेस वाली दिवाली नहीं लग रही हमें। लेकिन क्या सीन है ना गाइस, अभी हम ना वहाँ पे भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे, तो बने रहना वीडियो में। ये छोटा सा व्लॉग होने वाला है भाई, दिवाली व्लॉग, तो इन्जॉय करना ठीक है। सामान हमने एज ही पैक रखा है कि जब मीटर लग जाए हम घर घर प्रवेश कर लें। लेकिन वही है ना, 2 महीने हो गए गाइस, 2 से 3 महीने आई थिंक हो गए, हमें यहाँ पर मन भी नहीं लग रहा यार। जैसे लग रहा है ना जेल की तरह फीलिंग हो रही है, जैसे होता नहीं है 2 कमरे हैं और उसी में किचन है और टॉयलेट बाथरूम है, ऐसा कभी रहे नहीं ना, तो ऐसा जेल जेल की फीलिंग आ रही है। और ऊपर वाला फ्लोर है, निकल भी नहीं सकते, और तो और इतना शोर है इधर, इतना शोर है, हमें तो शांत रहना पसंद है ना, और यहाँ पर इतना शोर है भाई, कच्ची कॉलोनी है ना तो शोर बहुत है। दिल में खुशी नहीं है तो फिर क्या ही सेलिब्रेट करें, वाव वाला फील नहीं आ रहा। और तो और गाइस बर्तन की आवाज़ आ रही होगी, तो यहीं पे किचन भी है ना, तो बर्तन की आवाज़ तो गूंजेगी। और तो और प्राइवेट जगह है तो चूचा चूचा होता रहता है भाई यहाँ पे। यहीं पे सोना है और यहीं पे फ्रिज है, यहीं पे शीशा है, सब कुछ यहीं पे है भाई। देख रहे हो कितना स्पेस बचा हुआ है, बस मजबूरी है, रहना पड़ रहा है। और तो और दिखाता हूँ मैं क्या सीन है। ये है भाई हमारी बालकनी, और ये है भाई हमारी गली, जो 2400 घंटे मतलब इतनी बिजी रहती है, इतनी बिजी क्या, इतना शोर रहता है, सॉरी बिजी तो नहीं बोलेंगे, शोर रहता है इस गली में। और दूसरा रूम भी लेना पड़ा हमें बिकॉज सामान ही बहुत ज़्यादा है। ये देखो यहाँ पे भी सामान पूरा फैला हुआ है, पैक वैक कर रखा है हमने, जैसे ही हमारा मीटर लगेगा हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। देख रहे हो सारा सामान वहाँ से लाके ऐसे ही रखा हुआ है, और यहाँ पे करेंगे हम अपनी पूजा। इतनी सी स्पेस बचाई हमने ये सोफे को इधर करके, वरना कुछ स्पेस नहीं था भाई। और यहाँ पे भी सेम है, इधर किचन है, फिलहाल हम इधर किचन यूज़ नहीं कर रहे, 2-2 किचन क्या ही होगा यार, और टॉयलेट बाथरूम तो यही है। और आ जाओ यहाँ का दिखाता हूँ आपको व्यू, ये देखो शोरी, बहुत बिजी रोड है, देख रहे हो भाई, बिजी है, इतनी बिजी है क्या बताऊँ मैं आपको। कभी मेरा ना गाइस यहाँ पे ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता, ऐसे तो ब्लॉग आते भी नहीं थे पहले, भी थोड़े बहुत ही आते थे, यहाँ पे आया हूँ तब से एक भी ब्लॉग नहीं आया होगा। एक छोटे से क्लिप भी वो करोगे ना तो इतना शोर आएगा ना बाहर से, इतना शोर कि क्या बताऊँ, मन ही खराब हो जाएगा। 36 क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी थी, लेकिन उसमें शोर इतना था ना क्या बताऊँ, मैंने कहा यार शोर में ही डालो, ये इनकी शोर तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, और मेरा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब रात हो जाएगी मेरे को व्लॉग बनाते बनाते, लेकिन मेरे को वो क्लिप मिलेगी नहीं, इसलिए शोर में ही डाल दो। हम आए थे जैसा कि अपनी साइड पे, और तो और यहाँ पे हम साफ सफाई करने आए थे, हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं एंड दिवाली हैप्पीली बनती हमारी, बहुत अच्छे से बनती, और तो और पूरी लाइट वगैरह भी लगा देते। लेकिन अफसोस
BSES वालों की वजह से ना हमारा 3 महीने हमें रेंट पे रहना पड़ रहा है, 3 महीने हो गए। और तो और इतने वो है ना भाई इधर के BSES वाले, इतने वो क्या बोलूँ मैं, पैसे के घूस के चक्कर में वो इतना लेट कर रहे हैं ना। और तो और डिफेंसेसी कुछ भी डाल दे रहे, कुछ भी डिफेंसेसी डाल दे रहे भाई, साइड विजिट करने आ भी नहीं रहे, झूठ मूठ का बोल दे रहे कि हम आए थे। ऐसे ऐसे इधर नमूने हैं भाई, हर BSES वाले ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन इधर जो हम हमारा एरिया पड़ता है ना इधर के ऐसे ही हैं भाई। इधर पैसे दोगे ना तो लग रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। और तो और हमने ऐसा भी नहीं है कि हमने पैसे नहीं दिए, पैसे दिए थे लेकिन वो बंदा फोन ही नहीं उठा रहा, तो हमने सोचा यार खुद से ही भर लेते एक बार देख लेते हैं। तो कम से कम एक मंथ हो गया लेकिन कुछ भी हमारा प्रोसेस वगैरह अभी तक हुआ नहीं, साइड विजिट भी नहीं हुई, बताओ नहीं तो हम आ जाते हैं यार यहाँ पे। सब कुछ काम ओके है, आपको मैं रिवील बाद में करूँगा अपना होम जो भी है, अभी तो मैं बैठ के ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सारी वीडियो पहले बन चुकी है, जैसे ये घर बना है ना तो सारी वीडियो बन चुकी है पर डाली नहीं है, उसे एडिट करना बाकी है, तो पहले वो आएगी एंड फिर आपको होम टूर दूंगा। ये लगा दिया हमने रंगोली, ये भी लगाया है और यहाँ पे कुछ मिला नहीं तो हमने सोचा ये लगा देते हैं। क्या हुआ ना, हमने अपना रेंट वाले में जाके पूजा वगैरह कर ली, अब आए हैं हम इधर जहाँ पे हमारा घर है, तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। गाइस पूजा हो गई समाप्त, अब ना यहाँ पे पटाखे वटाखे जलाएंगे हम थोड़ा सा। रोशनी पहले दूर दूर तक, आओ मिलके मनाइए त्योहार सबके संग। हैप्पी 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 दिवाली, सेलिब्रेट द लव ओह सो। गाइस सब बारी है हमारा ये फोड़ने की गोला बम। गाइस देखना बम खरीद लिया और ये नहीं जल रहा, इससे बताओ ये नहीं जल रहा, बताओ सारे मैंने फोड़े, ये बड़े वाले जितने भी है ना ये सारे मैंने फोड़े। ये देखो क्या है इसके? मार साले का, खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। वो देख मैंने एक भी नहीं फोड़े। क्या होनी है, अरे बोल मालूम होने का तो की रोड में बताओ, इधर घर इधर घर और बीच में बम, वो भी गोला बम, बताओ इतना इतना एरिया में हम छोड़ते नहीं थे पहले, है ना। ये देखो ओहो